नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। मुंबई के ओशिवारा के आदर्श नगर में 18 साल की एक लड़की खुले नाले में गिर गई है। लड़की को बचाने का अभियान जारी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और लड़की का पता अभी तक नहीं चल सका है। बड़ी खबर मुंबई के ओशिवारा इलाके से आ रही है, जहां पर खुले नाले में 18 साल की एक लड़की जा गिरी है। बचाने का अभियान अभी तक चल रहा है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। तलाश में फायर ब्रिगेड की पूरी टीम जुटी है। मुंबई के ओशिवारा इलाके का ये हादसा हुआ है, एक लड़की खुले नाले में गिर गई ओशिवारा इलाके के आदर्श नगर में। 18 साल लड़की की उम्र बताई जा रही है। सौरभ बक्तानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, कुछ पता चल पाया अभी तक? लेकिन भुवनेश, अभी तक ये इन्फॉर्मेशन सामने आई कि ये 8 बजे का मामला है। ये जो लड़की है उसकी एज तकरीबन 19 साल बताई जा रही है। ये अपने छोटे भाई के साथ जो ओशिवरा का इलाका है आदर्श नगर, वहां से जा रही थी। इसका भाई थोड़ा आगे निकल गया था और तब उसको पता चलता है कि उसकी जो बहन है वो उस ओपन गटर में गिरी है। अब असलियत में वहां पर वो गिरी है नहीं गिरी है, उसकी जांच सीसीटीवी फुटेज के तौर पर की जा रही है, लेकिन छोटे भाई ने फिलहाल यही इंफॉर्मेशन दी है। तो फिलहाल मुंबई पुलिस, मुंबई फायर ब्रिगेड और साथ ही जो लोकल्स है वो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। लेकिन आपको बता दें, बारिश नहीं है तो कोई वैसा पानी का फ्लो भी नहीं था कि वो 19 साल की लड़की वहां से बहकर निकल जा सके। तो कई सारे जो इस पूरे मामले में सस्पेंस बरकरार है कि कैसे वो लड़की इसके अंदर गिरी है, किस तरीके से वो लड़की उस पर्टिकुलर एरिया से गायब हुई है, वो उस गटर के अंदर गिरी है भी या नहीं, ये भी अब सवाल खड़े कर रहा है। तो लड़के से पूछताछ जारी है, साथ ही वहां का जो सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगालने की कोशिश की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। आपको बता दें कि ओशिवरा इलाके में एक लड़की के गिरने की खबर है। हालांकि पुलिस तस्दीक कर रही है तमाम जरियों से, क्योंकि छोटे भाई के साथ जा रही थी। छोटे भाई ने ये बताया कि बहन दिखी नहीं तो लगा कि उस नाले में गिर गई है। हालांकि जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, पुलिस मौजूद है और लड़की का पता लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस वक्त आप घटनास्थल की देख रहे हैं। मुंबई के ओशिवारा इलाके की ये घटना आपसे कुछ देर पहले की। पूर्व आईपीएस और चर्चित पुलिस ऑफिसर रहे राकेश मारिया ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुलासा किया कि कैसे पाकिस्तान 26/11 हमले को हिंदू आतंक के रूप में दिखाना चाहता था, कैसे पाकिस्तान से भेजे गए सभी आतंकियों को हिंदू नाम वाले फर्जी आई कार्ड दिए गए थे। पाकिस्तान की कोशिश थी मुंबई के 26/11 हमले को हिंदू आतंक से जोड़ने की। ये दावा है पूर्व आईपीएस अफसर राकेश मारिया का। मारिया ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, पाकिस्तानी आतंकियों के फोटो खींचकर हिंदू नाम वाले उनके फर्जी आई कार्ड तैयार किए गए ताकि उन्हें हिंदू दर्शाया जा सके। उन्हें ताकीद दी गई कि कलाई पर लाल रंग का धागा बांधना ना भूलें। कसाब के पास समीर दिनेश चौधरी नाम का एक फर्जी आईडी कार्ड था, जिसमें उसे अरुणोदय डिग्री कॉलेज का छात्र और बेंगलुरु का रहने वाला बताया गया था। मारिया के इन खुलासों से बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। मारिया जी ने इससे बातें अभी क्यों बोली? जब वो पुलिस कमिश्नर थे तब उन्होंने इससे बातें बोलनी चाहिए। मैं निंदा करता हूँ कांग्रेस का और सभी उन लोगों का जो हिंदू टेरर के झूठे आरोपों में एक नई देश में गुमराह करने की उस समय कोशिश की थी कांग्रेस ने। मारिया ने किताब में लिखा है कि अगर कसाब के इरादे कामयाब हो जाते तो हेडलाइन होती, मुंबई हमले के पीछे हिंदू आतंकवाद है। मुंबई से दिवेश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया ने शीना बोरा हत्या मामले की जांच के दौरान अपने अचानक हुए तबादले पर चुप्पी तोड़ी। इस तरह की अटकलें थी कि जांच के दौरान उन्होंने पीटर मुखर्जी को बचाने की कोशिश की थी। लेट मी से इट नाउ नाम की अपनी आत्मकथा में राकेश मारिया ने दावा किया है कि उनके दो साथी आईपीएस अफसरों की अफसर पीटर से जान पहचान थी।
पिथौरा केस में पूर्व आईपीएस ऑफिसर राकेश मारिया ने सनसनीखेज दावा करके पुलिस महकमे से लेकर पॉलिटिकल सर्किल तक तहलका मचा दिया है। मारिया ने अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में लिखा है कि उनके बाद मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाए गए अहमद जावेद को पीटर और इंद्राणी मुखर्जी जानते थे। पीटर मुखर्जी जावेद की ईद पार्टी में भी गए थे। राकेश मारिया 2015 में जब बतौर मुंबई पुलिस कमिश्नर शीनापुरा केस की जांच कर रहे थे तो उनका प्रमोशन करके उन्हें डीजी होमगार्ड बना दिया गया था। राकेश मारिया ने एटीएस चीफ देवेन भारती को लेकर भी चौंकाने वाले दावे किए हैं। देवेन भारती उस समय जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर मुंबई पुलिस में तैनात थे। राकेश मारिया अपने किताब में ये बताते हैं कि इंद्राणी और पीटर मुखर्जी देवेन भारती को फर्स्ट नेम टर्म्स पर जानते थे। इस केस की पूछताछ के दौरान पीटर ने जब राकेश मारिया से ये बताया कि शीना के गुमशुदा होने की खबर वो देवेन को बता चुके थे, राकेश मारिया सन्न रह गए। राकेश मारिया ने यह फैसला लिया कि अगले दिन देवेन से इस बारे में जो वो चुप्पी साधे हुए थे उस बारे में वो पूछताछ करेंगे, जबकि अगले ही दिन 11 बजे उनका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। राकेश मारिया ने मुंबई 1993 ब्लास्ट और 26/11 जैसे हाई प्रोफाइल मामलों की जांच की है। महाराष्ट्र सरकार मारिया की किताब में किए गए दावों पर गंभीर दिख रही है। राकेश मारिया से हम बात करेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे कि असल में जब ये चालू गई सरकार थी देवेंद्र फडणवीस की, उस टाइम असल में क्या हुआ, उन्होंने जो आरोप देवेंद्र फडणवीस के ऊपर किया है उसकी भी जानकारी लेंगे, किताब में क्या लिखा है उसकी भी जानकारी लेंगे और फिर होम डिपार्टमेंट की तरफ से हम बयान देंगे। मारिया के दावों का अहमद जावेद और देवेन भारती दोनों ने खंडन किया है। देवेन भारती ने कहा, मारिया एक ऐसे परिवार से आते हैं जो बॉलीवुड से जुड़ा है, लगता है स्क्रिप्ट लिखने वालों का उन पर काफी प्रभाव है। ये किताब के लिए भी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है, किताब पर वेब सीरीज भी बन सकती है, इसीलिए तथ्य की जगह ऐसी बातें लिखी गई हैं जो ध्यान आकर्षित करें। शीना वोरा केस में पूरी जांच टीम का एक ही नजरिया था और सबको हर डेवलपमेंट की जानकारी थी। अहमद जावेद, जिन्हें मारिया को प्रमोशन देकर मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया गया था, उन्होंने मारिया के आरोपों के जवाब में कहा है कि इनमें कोई सच्चाई नहीं है। वैसे लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि राकेश मारिया को जब घालमेल नजर आ रहा था तो ये सवाल उन्होंने तब क्यों नहीं उठाए, क्या रिटायरमेंट के बाद किए गए दावों का वजन हल्का नहीं पड़ जाएगा? सौरभ वक्तानिया, मुस्तफा शेख के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। मुंबई के डोबीवली में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का माल स्वाहा हो गया है। दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं डोबीवली इलाके में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। जाहिर तौर पर उसमें रखा केमिकल ज्वलनशील था जिसके जरिए बहुत तेजी से आग फैली। उठती लपटे आप इस बात को बता रही कि आग कितनी भयावह थी। घंटों मशक्कत लगी दमकल कर्मियों को इस आग पर काबू पाने। मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।